नमस्कार, स्वागत है आपका। अमेरिका में जो है चुनाव यानी मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, गिनती शुरू है। पेपर बैलेट जो है वो गिने जा रहे हैं। जिन्होंने पहले डाक के थ्रू भेज दिए वो भी गिने जा रहे हैं। जिन्होंने बीते दिन वोटिंग की, यानी क्योंकि अमेरिका में तो इस वक्त पे जो है वो अभी तो रात ही चल रही होगी, तो ऐसे में मतलब अब अर्ली मॉर्निंग शुरू हो रही होगी, लेकिन ऐसे में क्योंकि अलग अलग हिस्सों में अगर आप मैक्सिमम देखें, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, इंडिया और अमेरिका के टाइम में तकरीबन 10.5-11 घंटे का फर्क है। तो ऐसे में जो है वो जब भारत में निश्चित तौर पर रात लगेगी और वहां पर दिन चढ़ना शुरू होगा तो फिर तस्वीर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये कि जो बाइडेन 238, डोनाल्ड ट्रंप 213, लेकिन इन पर अभी इतना भरोसा करना इसलिए जल्दबाजी होगा क्योंकि इस बार तो अमेरिका में एक तो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। आपको पता है कि इस बार जो है 10 करोड़ से ज्यादा लोग, यानी 100 मिलियन, ये एक आंकड़ा जो है अमेरिका के चुनावों में छाया हुआ है कि 100 मिलियन से ज्यादा लोग वोट करने आए, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। अच्छा, भारत में दरअसल ये बात कही जाती है, अब दुनिया की पॉलिटिक्स में इसे कितना मौजू समझा जाता है ये इसकी जानकारी मुझे फिलहाल नहीं है, कि एंटी इनकम्बेंसी जो फीचर होता है, मतलब कि जब लोग एक सरकार से परेशान होकर अगले चुनावों में वोट डालते हैं और आंकड़ा बढ़ जाता है, मतलब कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये समझिए कि एंटी इनकम्बेंसी है, यानी सरकार, यानी लोग जो है उस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं जो इस वक्त पे एस्टैब्लिश्ड है। तो अगर इस लिहाज से देखेंगे तो लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जाते हुए नजर आ रहे हैं और जो बाइडेन वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, यानी डेमोक्रेट्स की सरकार बन रही है और रिपब्लिकन फिर से जा रही है। लेकिन अगर आप ये देखें कि इस वक्त पे स्थिति, खासतौर पे ब्लू स्टेट्स जिन्हें आप कहते हैं, जिन्हें हम ये मानते हैं कि भैया ये एक ब्लू वॉल है, जो मतलब ब्लू वॉल को जीत जाता है, बताया यही जाता है कि जो ब्लू वॉल को जीत जाता है वो दरअसल अमेरिकी चुनाव में फतेह हासिल कर लेता है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि उनके लिए लड़ाई थोड़ी सी मुश्किल थी। तो ऐसे में जो 3-4 स्टेट्स हैं जिसमें विस्कॉन्सिन का नाम है, मिशिगन का नाम है, ओहायो का नाम है, पेंसिल्वेनिया का नाम है, ये दरअसल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके अलावा 2-3 लार्ज स्टेट्स जिसमें टेक्सास है, यानी सेकंड बिगेस्ट, 38 वहां पे इलेक्टोरल पोजीशंस, और उसके अलावा फ्लोरिडा जो कि थर्ड लार्जेस्ट है, इन सारी चीजों में जीत बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। तो इनमें से अभी हमने देखा था शुरुआत में एरिजोना का रिजल्ट आया था जो इन फेवर ऑफ जो बाइडेन आया है, और वहां पर जो पेपर बैलेट्स थे जो पोस्ट के थ्रू, जो डाक के थ्रू आए थे, वो उनकी भी गिनती हो चुकी है, और इसके अलावा जो रिसेंट वोटिंग हुई है उनकी भी गिनती हो चुकी है। तो वहां पे जो बाइडेन पूरी तरह से बाजी मारते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के अलावा, जैसे मैं कह रहा हूँ, जॉर्जिया हो गया, मिशिगन हो गया, निवाडा हो गया, नॉर्थ कैरोलिना हो गया, नॉर्थ कैरोलिना अपने आप में स्विंग स्टेट है, और इसके अलावा फिर आप पेंसिल्वेनिया का जिक्र कर लीजिए, विस्कॉन्सिन मैं बता रहा हूँ, एरिजोना हो गया, फ्लोरिडा हो गया, और न्यू हैम्पशायर हो गया, ओहायो हो गया, टेक्सास हो गया, यहाँ पर अभी भी चीज़ें उलझी हुई हैं। तो ये जो खासतौर पर जिन्हें मैं कह रहा हूँ स्विंग स्टेट्स का जिक्र, क्योंकि अभी जो इनिशियल अपडेट आया है हमारे पास वो यही आया है कि जो रेड हुए हैं वो डार्क रेड हो गए हैं, जो ब्लू हुए हैं वो डार्क ब्लू हो गए हैं, लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें वही जो मसला है वो अभी भी फिलहाल देखने को मिल रहा है, यानी उलझन अभी भी है। तो जो आंकड़ा जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा और इन फेवर ऑफ जिसके भी फेवर में जाता है, रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स के, वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में स्थिति यही है। और एक चीज़ और, अगर ये कहीं ना कहीं मुकाबला ड्रॉ होता है, टाई होता है, माफ़ कीजिएगा, अगर ये टाई होता है तो जैसे आईपीएल में आप सुपर ओवर देखते हैं, वैसे वहाँ पर जो है वो गेंद सेनेटर्स के पाले में चली जाएगी। सेनेटर्स फिर ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है वो फिर ये फैसला लेगा कि आखिर चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, क्योंकि 269 जो है ड्रॉ है, टाई अगर 269 पे हो जाएगा, यानी 270 मैजिकल फिगर है, 270 तक जो पहुंचता है, 270 अब जो करता है वो व्हाइट हाउस उसका होगा, लेकिन अगर 269 पे बात रुकती है तो फिर सेनेटर्स इस चीज़ का फैसला लेंगे कि आगे राष्ट्रपति कौन बनेगा। हालांकि अभी इस चीज़ की संभावना कम लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।